वेलकम टू माई चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 3 कंजुकेटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। तीन कंजुकेटिव इंटीजर्स को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 51 हो जा रहा है। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो पहले ही जानना पड़ेगा कि कंजुकेटिव का मतलब क्या होता है। तो कंजुकेटिव मतलब होता है कि लगातार एक के बाद दूसरा। तो यदि हमें तीन इंटीजर्स लेने हैं, थ्री इंटीजर्स जो है हमें सेलेक्ट करने हैं जो कंजुकेटिव हों, कंजुकेटिव मतलब कि लगातार हों, तो कैसे मानेंगे। यदि मान लीजिए कि एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा एक्स प्लस वन। यदि और इसके बाद वाला निकालना पड़ेगा तो एक्स प्लस वन में फिर एक और जोड़ना पड़ेगा जो कि एक्स प्लस टू हो जाएगा, है ना। यही तीन होंगे ऐसे इंटीजर्स जो कंजुकेटिव होंगे। ओके, तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। ओके, सॉल्यूशन, लेट द थ्री कंजुकेटिव इंटीजर्स बी एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वन, क्योंकि इनका ऐड करने पर इन तीनों जब ऐड करते हैं तो मिलता है 51। अब सॉल्व करने में क्या मिलेगा, एक्स 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 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x प्लस ये 1 प्लस टू क्या हो गया, 3 हो जाएगा 51। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 51 माइनस 3। अब यहाँ से निकालेंगे हम x और ये आ जाएगा 51 माइनस 3, मतलब सॉरी 51 माइनस 3 मीन्स 48 अपान 3। 3 बन जा 3, 3 सिक्स जा 18। ओके, ये हमारा आ गया x बराबर 16। हैंस दी थ्री कंजुकेटिव इंटीजर्स आर क्या होगा, 16 होगा एक, 17 होगा एक और एक 18 होगा, यही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर के लिए सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, और यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी किताब से तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।